नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल सोशल न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस पे, जो इतना तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, इतना तेजी से बढ़ रहा है, जो अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है। जिसमें आपको सबसे खतरनाक वायरस में अगर देखा जाए तो स्पेनिश फ्लू आया था 1920 में, उसके जैसा ही बिल्कुल लग रहा है, उसके ही जैसा बिल्कुल लग रहा है। उसमें लगभग बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी दोस्तों, और इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर हुई थी दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर, उससे भी खतरनाक लगता है। तो ये तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, और दोस्तों मास्क और हैंड सैनिटाइज करते रहें। अगर आपको घर से बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क लगाएं और हाथ थोड़े थोड़े समय पर सैनिटाइज करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस पे। वो जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि दुनिया में कितने केसेस आए हैं अभी तक का, और कितने लोगों की मौत हुई है पूरी दुनिया में, और कितने लोग अभी क्रिटिकल हैं, एकदम सीरियस हैं, और कितने हिसाब से पर डेली के हिसाब से कितने लोगों की मौत हो रही है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों लाइक करना ना भूलें। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस पे है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया में कितने केसेस आए हैं, और टॉप 10 जो केसेस हैं वो सब की हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी तक जो दुनिया में पूरे मिला के जितने भी केसेस आए हैं उनकी तादाद 13,67,34,601 केसेस आ चुके हैं, और जो रिकवर हुए हैं अभी तक का, जिसमें डेथ की तादाद है लगभग 2,95,140 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक का पूरी दुनिया में, और जो रिकवर हो चुके हैं वो 10,99,71,395 केसेस ऐसे हैं जो अभी तक रिकवर हो चुके हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं वो। और इसके बाद अभी जो करंटली इन्फेक्टेड हुए हैं, मतलब अभी जो मतलब जल्द ही पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी तादाद है 2,38,11,786। और जो सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बीमार में, उनकी तादाद है लगभग 1,03,414 लोग एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनकी अपने पूरे दुनिया में जितने भी केसेस आए हैं उन केसेस की अगर हम बात करें तो उनमें 0.4% लोग अभी तक पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। 0.4% पूरे दुनिया के दोस्तों, इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया में जितने केसेस आए हैं उनमें मैं बात कर रहा हूँ। तो और अगर हम बात करें डेली पर डेथ की, मतलब हर रोज कितने मौतें हो रही हैं पूरे दुनिया में, तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ आपको दिखाएगा कि पर डे कितनी डेथ हो रही हैं पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ हो रही हैं ये ग्राफ आपको बताएगा। और अगर हम आगे चलते हैं, अगर आप अपने इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो कल के केसेस थे, मतलब 11 तारीख के जितने केसेस थे, वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। 1-2 हज़ार का फ़र्क नहीं, सीधा 5, 6, 7, 8, 10, 12 हज़ार का फ़र्क हो रहा है, इतना ज़्यादा ऊपर हो रहा है। तो हम अगर पूरे इंडिया की बात करें, जो अभी तक का पूरी दुनिया इंडिया में केसेस आए हैं वो हैं 13,52,05,379 केसेस आए हैं पूरे इंडिया में अभी तक का, जब से कोरोना की महामारी फैली है तब से। और जो कल के केसेस थे वो 1,69,000 दोस्तों 1,69,914 केसेस आए थे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। और जो डेथ हुई थी कल इंडिया में वो 904 लोगों की मौत हुई थी, 904+904, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट कम नहीं हो सकती, 904 ही हुई है। तो अगर हम इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, तो ये दूसरी बात में जो इंडिया में जिस तरीके केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा केसेस हैं दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में और मुंबई के अगर कंपेयर में देखा जाए तो अगर तो इतना ज़्यादा फर्क है दोस्तों, 100% में से आपको 80% का फर्क है, मतलब 20% उत्तर प्रदेश और 80% महाराष्ट्र, इतना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अगर हम पूरे महाराष्ट्र के, पूरे इंडिया के टॉप 10 स्टेट की बात करें तो वो हैं ये, इसमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
छत्तीसगढ़ और राजस्थान है दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 10 कोरोना पॉजिटिव केसेस, जितने सबसे ज्यादा केसेस यहाँ आ रहे हैं, जो स्टेट में सबसे ज्यादा केसेस अभी तक का आ रहे हैं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, अगर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, प्लीज घर से बाहर ना जाएं। अगर जरूरी काम हो तो जरूर जाएं, लेकिन मास्क लगाए रहें, हाथ सैनिटाइज, थोड़े थोड़े समय पर आप हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।